तो भाई लोग, अगर आपने बाय चांस गलती से अपने PUBG मॉल का जो सर्वर है इसे चेंज कर दिया एंड उसके बाद आपको पिन काफी ज्यादा देखने को मिला, तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो यार, मैंने जो अपने PUBG मॉल का सर्वर है इसे यूरोप से एशिया में चेंज कर दिया एंड वो भी विद इन 2 मिनट्स के अंदर। तो काफी ज्यादा कमा का ट्रिक है यार, ओ भाई साहब। ओके, सो वेलकम बैक लेजेंड पीपल टू योर लेजेंड चैनल टेक जीनियस। तो दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करने वाले एक काफी ज्यादा कमाल की ट्रिक के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जानते हो अभी हमें PUBG मॉल पे एक न्यू फीचर कुछ दिन पहले देखने को मिला है, जिसमें यहाँ पर जो आपका PUBG मॉल का सर्वर है उसे अगर आप चेंज करते हो एशिया टू मिडिल ईस्ट यूरोप, तो वहाँ पर आपका 60 डेज के लिए सर्वर लॉक हो जाने वाला है एंड देन वहाँ पर अगेन आप अपना एशिया में सर्वर को चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बाई चांस अगर आपने भी अपने सर्वर को चेंज कर दिया गलती से, तो इस वीडियो में आपको एक काफी ज्यादा कमाल का ट्रिक बताऊंगा जिससे विद इन 2 मिनट्स के अंदर अगेन आप अपना सर्वर को चेंज कर सकते हो एशिया में। तो दोस्तों, यहां पर आप लाइव देख सकते हो, मेरा अकाउंट जो पहले सर्वर ये कनेक्ट था यूरोप से एंड इसे मैंने इस ट्रिक के मदद से अगेन एशिया में चेंज कर दिया। तो दोस्तों, काफी ज्यादा कमाल का ये ट्रिक है यार एंड ये पूरी तरह से मैं लाइव दिखाने वाला आप सभी को इस ट्रिक को कैसे यूज करना, तो वीडियो जरूर से पूरा देखना एंड साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना एंड जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो एनीवेज गाइस, चलो ये ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फाइनली बात कर लेते हमारे इस काफी ज्यादा कमाल के ट्रिक के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो मैंने अपना जो मेन अकाउंट का सर्वर है इसे चेंज कर दिया यूरोप में एंड आप बोलते हो मैं कोई भी ट्रिक अपने मेन अकाउंट पे यूज नहीं करता, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं ये ट्रिक को अपने मेन अकाउंट पे यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पिन देख सकते हो 480 का आ रहा, तो काफी ज्यादा पिन है यार एंड आई नो आप जानते हो इतना पिन में गेम खेलना काफी ज्यादा टफ है। तो दोस्तों, चलो मतलब फाइनली बात कर लेते हैं इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको एक फ्रेंड का दरकार होगा जिसका जो अकाउंट है वो एशिया सर्वर से कनेक्ट रहना चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर सकते हो। देन गाइस, यहाँ पर जो आपका फ्रेंड है वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा फ्रेंड यहाँ मैच के लिए इनवाइट कर रहा, तो मैं यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ध्यान रखना, यहाँ पर आपका फ्रेंड आपको इनवाइट करना चाहिए। देन यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, जो हमारा सर्वर है ये यूरोप से एशिया में तो चेंज हो चुका है, बट गाइस यहाँ पर जैसे मैं फ्रेंड लीव करता तो अगेन जो मेरा सर्वर है वो एशिया से यूरोप में चेंज हो जाएगा। सो हमारे सर्वर को परमानेंट एशिया में चेंज करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ आर प्रोसेस करना होगा। तो सेकेंड स्टेप में गाइस, यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि जो मेन लीडर है वो आपको बना दे। तो देन यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर लीडर बन चुका हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रदर इन आर्म में चल जाना होगा। तो इसका सेटिंग में यहाँ पर दिखा दे, तो यहाँ तो अभी हमें एशिया शो कर रहा है, बट गाइस यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा मैं अपने फ्रेंड को लीव कर देता हूँ, तो अगेन जो हमारा सर्वर वो यूरोप में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इसे परमानेंट एशिया में चेंज करने के लिए यहाँ पर हमें एक मैच खेलना होगा। तो यहाँ पर मैं किसी को भी इनवाइट कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं किसी भी बंदे को यहाँ इनवाइट कर लेता हूँ। तो चलो यार, फाइनली यहाँ पर एक बंदा आ चुका, तो हमारा जो गेम ये रेडी होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो आपका फ्रेंड आपको इनवाइट करेगा एंड देन यहाँ पर आपको जो टीम लीडर बनना होगा, उसके बाद आप ब्रदर इन आर्म में जाके अपने फ्रेंड क्या भी किसी भी बंदे को इनवाइट कर सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक मैच खेलना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा मैच ये स्टार्ट होने वाला है कुछ 30 सेकंड का देरी, तो यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सेटिंग में आप देख सकते हो, जो हमारा सर्वर है ये अभी तक चेंज नहीं हुआ, ये अभी तक यूरोप में ही शो कर रहा है एंड सेम आपका भी वही शो करेगा जिसने यहाँ पर आपने चेंज किया, लाइक यहाँ पर मिडिल ईस्ट हो गया क्या फिर नॉर्थ अमेरिका। तो बस आपको लास्ट स्टेप ये फॉलो करना है, यहाँ पर आपका गेम जैसे ही रेडी हो जाता है एंड आप प्लेन में चल जाते हो, तो आपको यहाँ पर पूरा मैच खेलने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप अपने गेम को लीव कर सकते हो। तो चलो, यहाँ पर हमारा मैच पूरा स्टार्ट हो चुका, हम लोग प्लेन में आ चुके, तो यहाँ पर हम लोग जो अपने गेम को पूरी तरह से कट कर देते हैं एंड पहले इस तरह यहाँ पर हम लोग अपनी लॉबी पे आ जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर चलो फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा सर्वर है ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है एंड बूम गाइस, यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो यार, मेरा जो PUBG मॉल का सर्वर है ये यूरोप से विद इन 2 मिनट्स के अंदर एशिया में चेंज हो चुका है एंड साथ ही पिन भी देख सकते हो यार, काफी ज्यादा बेटर आ रहा है।
तो यहाँ पर आप लाइव प्रोसेस देख सकते हो, काफी ज्यादा कमाल का ट्रिक है। एंड अगर आपने भी अपना जो सर्वर है इसे चेंज कर दिया मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, क्या भी नॉर्थ अमेरिका, एंड वहां पर आपको पिन काफी ज्यादा आ रहा है, गेम खेलने काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो इस ट्रिक को यूज करके अगेन आप अपने सर्वर को इजिली चेंज कर सकते हो एशिया में, तो काफी ज्यादा कमाल का ट्रिक है यार, एंड 100% वर्किंग है। तो जाओ यार एंड जल्दी से जाके इस ट्रिक को यूज कर लो। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और बात करें तो आप जानते हो पबजी मॉल का सर्वर इंडिया में बैन होने वाला, जो हमारे गेम में ये ओपन नहीं हो रहा था। उसके बाद बहुत लोग वीपीएन लगा के अपने गेम को ओपन कर रहे, बट वहां पर पिन काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो दोस्तों मैंने उसके ऊपर भी एक काफी ज्यादा कमाल का वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको एक काफी ज्यादा कमाल का ट्रिक बताया, जिसमें यहाँ पर आप अपने गेम को ओपन कर सकते हो, कोई भी मैच को प्ले कर सकते हो इजिली, एंड वो भी बिल्कुल विदाउट वीपीएन। साथ ही जो आपको पिन है उसका भी कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ऊपर आई बटन है, तो वहां से जाके भी उस वीडियो को जरूर से देख लेना। तो दोस्तों फाइनली यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना एंड जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, पढ़ते तक के गुड डे एंड ऑलवेज के स्माइलिंग।